सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या आज के समय में महिलाओं के लिए काफी कॉमन हो गई है और काफी सारी महिलाएं इस समस्या से जूझती है, जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से ही हेल्थ प्रभावित होती है। पीसीओडी और पीसीओएस सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। पीसीओडी लाइफ, दोनों ही समस्याएं लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, लेकिन पीसीओडी को आप आराम से अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, खाने पीने की आदतें और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करके ठीक कर सकते हैं। पीसीओएस की समस्या एक थोड़ी गंभीर बीमारी है, इसमें योग के साथ साथ लाइफस्टाइल को बदलने के साथ साथ आपको डॉक्टर की मदद भी लेनी पड़ेगी। लेकिन योग तो कॉमन है दोनों ही समस्याओं में, अगर आप योग करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। अब जिनको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है वो जानते हैं इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना या पीरियड्स में दर्द का होना, पीरियड्स टाइम से नहीं आना। पीसीओएस में सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है कि पीरियड्स आपको आते ही नहीं है। अगर साल एक साल में आपको 8 बार से कम पीरियड्स आते हैं तो मानिए कि आपको पीसीओएस की समस्या है। फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके अलावा ही एक्ने होंगे, पिंपल्स होंगे, वेट बढ़ेगा आपका, जो अनचाहे बाल हैं वो आपके पूरे फेशियल लेयर, जिस आपकी चिन पे बाल आना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको ठीक नहीं करते हैं, क्योर नहीं करते हैं, तो लंबे टाइम में आपको डायबिटीज, बीपी की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। और अगर बिल्कुल ट्रीट नहीं किया तो काफी समय बाद एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम योगाभ्यास करेंगे जो पीसीओडी और पीसीओएस को क्योर करने में आपकी मदद करेंगे। 5 योगासन और 1 मुद्रा का अभ्यास करेंगे हम आज, जो पीसीओडी और पीसीओएस के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। आज का पहला अभ्यास है हमारा बद्ध कोणासन का अभ्यास। कैसे करेंगे? अपने पैरों को इस तरीके से, जो पैरों के तलवे हैं उनको आपस में जोड़ लें और जितना अपनी बॉडी के पास ला सकते हैं अपनी एड़ियों को, उतना पास में ले आएं। अब किसी के यहां तक आएंगे, जितना भी आ जाए ठीक है। आपका एम क्या होना चाहिए? जितनी हमारी एड़ियां हमारी बॉडी के क्लोज आ जाएं उतना लाना है। और कमर और गर्दन आप सीधी रखेंगे, हाथों से इस तरीके से अपने पैरों को होल्ड किया, कमर और गर्दन सीधी, और फिर क्या करना है आपको, इसमें अपने घुटनों को ऐसे तितली की तरह फ्लिप करना है। फ्लिप करेंगे, कम से कम 1 मिनट तक आप इस तरीके से फ्लिप करते रहें। जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे जो पैर हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सेहत हमारी अच्छी होती है, जिससे आपको पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स नहीं आएंगे। 1 मिनट तक ऐसे फ्लिप करने के बाद आपको इसी में आगे की तरफ झुकना है। आप इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए इस तरीके से धीरे धीरे अपने हाथों को आगे ले जाएं, और जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना आप झुक जाएं। अब आप यहाँ तक आते हैं यहाँ तक आ जाएं, इतना आ सकते हैं इतना आ जाएं। यहाँ पे इस तरीके से अपने फेस को आप होल्ड कर सकते हैं। आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो आप बिल्कुल इस तरीके से अपने सिर को मैट पर लगा दें। 30 सेकंड होल्ड करें और फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाएं। ये है हमारा बद्ध कोणासन का अभ्यास। इस आसन को आप 3 बार रिपीट करेंगे। उसमें क्या करेंगे, 1 मिनट तक फ्लिप किया, फिर 30 सेकंड का होल्ड फॉरवर्ड बेंडिंग में, इसी तरीके से फिर से 1 मिनट फ्लिप, फिर से 30 सेकंड का होल्ड फॉरवर्ड बेंडिंग में। दूसरा आसन करेंगे हम चक्की चालन आसन। कैसे करेंगे? अपने पैरों को खोल दें जितना आप खोल सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी आराम से आपको परमिशन देती है। फिर क्या करेंगे, आप इनहेल करेंगे और हाथों को इस तरीके से सीधा करेंगे। आपको एल्बो ऐसे बैंड नहीं करनी है। जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो एक्सेल करते हुए जाएंगे,
और जब पीछे की तरफ आएंगे तो इनहेल करते हुए जाएंगे। ध्यान रखें, सांसों के साथ करेंगे तो आपको योग से पूरा फायदा मिलेगा। करेंगे चक्की चालन का अभ्यास इस तरीके से, इनहेल वापस आगे जाते हुए एक्सहेल, इनहेल वापस एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड। अभी हम घड़ी की सुइयों की दिशा में कर रहे हैं, यानी कि क्लॉक वाइज अभ्यास किया है हमने 4 बार। इसी तरीके से एंटी क्लॉक वाइज करेंगे, इनहेल वापस एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड, इनहेल वापस एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड, इनहेल वापस एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड। आपको एक बार में 15 बार क्लॉकवाइज करना है और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है, और इसी तरीके से आप इसको 3 बार रिपीट करेंगे। ये आसन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के साथ साथ जो आपका बैली फैट है उसको भी कम करने में, जो कमर की चर्बी है उसको भी कम करने में आपकी काफी मदद करेगा। तीसरा अभ्यास करेंगे हम उष्ट्रासन का अभ्यास। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ साथ जितने भी पेट में हमारे अंग है उन सब की काफी अच्छे से मसाज करता है और पूरे पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, जिससे आपको पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स ठीक करने में मदद मिलेगी। इस तरीके से अपने घुटनों पे आ जाएं, घुटनों के बीच में अपने कंधों जितना फासला कर दें, पैर आप ऐसे फ्लैट रख सकते हैं या टोज को टक कर सकते हैं, आप पे निर्भर करता है। इनहेल करते हुए अपने सीधे हाथ को पीछे लेके जाएं और फिर उल्टे हाथ को भी पीछे लेके जाएं और एड़ियों पर टिका दें। अब इस तरीके से पीछे की तरफ ना रहें, जो हमारे हिप्स है, पेल्विक एरिया है, उसे आगे की तरफ पुश करें और गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दें। नॉर्मल सांसें लेते छोड़ते रहें और इसमें 15 से 30 सेकंड का होल्ड करें आप, और फिर इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएं। और इसके बाद पैरों को खोल के इस तरीके से शशांक आसन का अभ्यास करें, जिससे बैक पे जितना भी स्ट्रेन आया है वो रिलीज हो जाए। इनहेल करते हुए वापस आ जाएं। अब जरूरी नहीं है कि सबकी कमर इतनी फ्लेक्सिबल हो वो उष्ट्रासन कर ले, लेकिन आपको अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। इसी तरीके से पैरों को खोला, अपने हाथों को अंगूठे पीछे की तरफ, उंगलियां आगे की तरफ कमर पे टिका दें और इनहेल करते हुए जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाएं, और जो आपका ये पेल्विक एरिया है, हिप्स है, इसे आगे की तरफ पुश करें और यहां पर रुके। उसी तरीके से 15 से 30 सेकंड रुकेंगे नॉर्मल सांसों के साथ और फिर एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। और जिस तरीके से हमने चाइल्ड पोज का अभ्यास किया था शशांक आसन का, उसी तरीके से अभ्यास करेंगे। चौथा आसन है हमारा वक्रासन का अभ्यास। कैसे करेंगे? वक्रासन एक ट्विस्टिंग आसन है। अपने पैरों को खोल के बैठ गए, कमर गर्दन सीधी, पहले अपने राइट फुट को इस तरीके से लेफ्ट नी के बराबर में ले आए और जो नी हमने फोल्ड किया है उसी हाथ को पीछे की तरफ इस तरीके से रख दें और इनहेल करें, हाथ को ऊपर लेके जाएं। इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए इस हाथ से जो घुटना है हमारा, नी है, उसे इधर की तरफ पुश करें और पीछे की तरफ देखें। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं आप उतना ट्विस्ट करें। इस हाथ यहां रख पाते हैं यहां रख लें, नहीं तो हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। और 15 से 30 सेकंड का होल्ड करना है आपको। इससे आपके जितने भी अंदर के, पेट के अंदर के अंग है, सबको अच्छी मसाज मिलती है। इनहेल करते हुए वापस आ जाएं और दूसरे पैर पे भी इसको इसी तरीके से रिपीट करें। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया इस तरीके से, लेफ्ट हैंड को पीछे रख दिया, इनहेल किया, राइट हैंड ऊपर, एक्सहेल करते हुए होल्ड करें और पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। जितना ट्विस्ट आप कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करें।
सामान्य सांसें लेते और छोड़ते रहें। ओवरीज हैं, जितना भी आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबके लिए ये काफी अच्छा है। एंडोक्राइन सिस्टम को भी ये स्टिमुलेट करता है, जिससे आपको पीसीओएस पीसीओडी के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इनहेल करते हुए वापस आ जाएं, पोज को रिलीज कर दें। उस श्वासन का अभ्यास भी आपको 3 बार करना है, 30-30 सेकंड के होल्ड के साथ, और इसको भी 3 बार लेफ्ट और राइट से रिपीट करना है 15-30 सेकंड के होल्ड के साथ। लास्ट आसन है हमारा सुप्त बद्ध कोणासन, उसके लिए आप अपने मैट पर लेट जाए। ये अभ्यास आप सोने से पहले भी इजीली कर सकते हैं, बस आपको खाना खाए 2 घंटे का गैप हो गया हो। कैसे करेंगे? जैसे बद्ध कोणासन किया था उसी तरीके से अपने पैरों को, जो पैरों के तलवे हैं उन्हें जोड़ दें, और अपने पेरिनियल एरिया के जितने पास अपनी एरिया ला सकते हैं ले आए, मतलब जितना अपनी बॉडी के क्लोज ला सकते हैं ले आए, और इस तरीके से पैरों को खोल दें। इन हाथों को आप यहां भी रख सकते हैं या फिर आराम से अपने पेट पर रख लें, और सामान्य सांसों के साथ इनको ऐसे फ्लिप करें, फ्लिप करते रहे। आप ये अभ्यास 1 मिनट से 3 मिनट तक आसानी से कर सकते हैं। कम से कम 1 मिनट तक फ्लिप करेंगे, इससे आपके जितने भी पेल्विक एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है सबको दूर करने में ये आपकी मदद करेगा। हार्मोनल इंबैलेंस है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, या फिर पीरियड्स में दर्द होता है, और पीरियड्स के टाइम भी आप इस तरीके से आराम से इसको लेट के कर सकते हैं, फ्लिप ना करें। और अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप फ्लिप भी कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी को क्योर करने में आपकी हेल्प करेगा, कंसीविंग में ये आपकी हेल्प करेगा। तो ये हो गया है सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास, इसको भी आप 3 बार रिपीट करें और 1 से 3 मिनट तक फ्लिप करें। हमने कर लिया है अपने 5 योगासनों का अभ्यास, अब करेंगे मुद्रा का अभ्यास जिसका नाम है योनि मुद्रा। जितनी भी पीसीओएस पीसीओडी, पीरियड से रिलेटेड, हार्मोनल इंबैलेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको क्योर करने में काफी लाभदायक है ये मुद्रा। कैसे करेंगे? अपनी लास्ट की 3 उंगलियों को इस तरीके से उनके नकल से मिला लिया, इंडेक्स फिंगर की टिप आपस में मिला दी, थंब की टिप आपस में मिला दी, और फिंगर नीचे की तरफ, थंब ऊपर की तरफ, इसे अपने नाभि पे प्लेस कर देंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करके 15 मिनट का अभ्यास आपको इसका रोज करना है। तो आप देखेंगे ये योगासन और इस मुद्रा के साथ और अपने खान पान को सही करके, लाइफस्टाइल को सही करके, आप कितनी जल्दी अपने पीसीओडी और पीसीएस के सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।